विराट कोहली के बल्ले से आज श्रीलंका के सामने 166 रनों की पारी का जहां एक तरफ से भीषण तूफान आया, तो दूसरी तरफ से इसी पारी के दौरान जहां विराट कोहली के एक चौके ने श्रीलंकाई फील्डर्स को सीधा हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया है। एक ऐसा चौका था जिसको बचाने के चक्कर में दो श्रीलंकाई फील्डर्स आपस में इस तरह से टकरा गए कि उसके बाद एक खिलाड़ी को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर लेकर जाने की नौबत तक आ गई। आखिर कौन सा ओवर था, कौन सी वो गेंद थी, किस तरह से दोनों खिलाड़ी आपस में टकराए, उसके बारे में आपको देंगे सारी जानकारी इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आज ये बात है पारी के 43वें ओवर की, जब जमैका के रोना रथने गेंदबाजी पर थे और इस ओवर की पांचवी गेंद जब गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में धकेला विराट कोहली ने, वहां से वो दो खिलाड़ी जो आज के मुकाबले में श्रीलंका के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किए गए थे, ये दो खिलाड़ी हैं जेफरी विंडर्स और साथ ही में एशन भंडारा। एक चौका बचाने के चक्कर में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक ऐसा भीषण टकराव हुआ जिसके बाद कुछ लम्हों के लिए ये दोनों खिलाड़ी खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। जहां आपको बता दिया जाए जेफरी विंडर्स तो कुछ समय के बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन एशन भंडारा के घुटने में एक ऐसी भीषण चोट आई जिसके बाद वो मैदान पर खड़े भी ना हो पाए और उन्हें स्ट्रेचर की सहायता से बाहर लेकर जाया गया। हालांकि विराट कोहली उस समय 95 पर मौजूद थे और इन दोनों खिलाड़ियों के टकराव के चलते गेंद सीमा रेखा को पार करके चौके की ओर चली गई और विराट कोहली 99 के स्कोर पर पहुंच गए। लेकिन ये चौका इतना ज्यादा भीषण था जिसके बाद इस मुकाबले में कंकशन सब्स्टिट्यूट को लाने की जरूरत पड़ गई। आपको बता दिया जाए इस मुकाबले के 43वें ओवर के बाद वेला लागे जो कि ऑलराउंडर है, पिछला मुकाबला खेल रहे थे, इस मुकाबले में उनको कंकशन सब्स्टिट्यूट के चलते शामिल किया गया है। लेकिन ये ऐसा टकराव था जिसके चलते अब देखने योग्य बात होगी कि क्या श्रीलंकन टीम आज पूरे के पूरे खिलाड़ियों से बल्लेबाजी करवा पाएगी या श्रीलंका को खिलाड़ी भी खोने पड़ेंगे, क्योंकि श्रीलंका के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत कर दी है तूफानी गेंदबाजी के साथ, जहां मात्र 39 के स्कोर पर श्रीलंका ने 5 विकेट्स खो दी हैं। लेकिन क्या कुछ है आपका कहना इन दोनों खिलाड़ियों के टकराव के बारे में और इस लम्हे के बारे में, दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।